तो महिंद्रा की जो थार है, मेरी फेवरेट गाड़ी है, उसके जो 13 वेरिएंट है वो लॉन्च हो गए हैं। तो इस वीडियो में उनकी फीचर्स और प्राइस के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो को एंट्री देखना अगर तुम्हारी फेवरेट थार है तो, मतलब अगर तुम भी थार लवर हो मेरी तरह। तो वैसे मेरे पास अभी थार है तो नहीं, मगर लूंगा जरूर। महिंद्रा ने अपनी थार का नया वेरियंट लॉन्च कर दिया है, मतलब सेकेंड जनरेशन लॉन्च कर दिया है। और उसकी एक्सट्रीम प्राइस है 9,80,000 रुपये। और जो 9,80,000 रुपये है वो उन्होंने एयर स्ट्रीम के लिए रखा है। और जो उन्होंने शहर के लिए मॉडल निकाला, मतलब शहर के लिए कंपैटिबल थार निकाली है एलेक्स स्ट्रीम, उसके अंदर फीचर भी ज़्यादा है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। उसका एक्सट्रीम प्राइस है 12,49,000 रुपये। महिंद्रा ने अपनी थार के 13 वेरियंट मार्केटिंग अंदर लॉन्च किया। और हर वेरियंट अपनी फीचर की बेसिस पर अलग है, ऐसा नहीं कि सब सेम है, सब के अंदर कुछ ना अलग फीचर है और कुछ अलग ही है। तो अब मैं तुम्हें महिंद्रा थार के 13 वेरिएंट के एक्सट्रीम प्राइस बताता हूँ। थार का जो पहला मॉडल है थार AS स्टैंडर्ड पेट्रोल सॉफ्ट टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 9,80,000 रुपये। और थार का जो दूसरा मॉडल है थार AS पेट्रोल सॉफ्ट टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 10,65,000 रुपये। थार का जो अगला मॉडल है थार AS डीजल सॉफ्ट टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 10,85,000 रुपये। थार का जो चौथा मॉडल है थार AX ऑप्शनल पेट्रोल कन्वर्टिबल टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 11,90,000 रुपये। और थार का जो पांचवा मॉडल है थार AX ऑप्शनल डिजिटल कन्वर्टिबल टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 12,10,000 रुपये। थार का जो छठा वेरिएंट है थार AX ऑप्शनल डीजल हार्ड टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 12,20,000 रुपये। थार का जो सातवां वेरिएंट है थार LX पेट्रोल हार्ड टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वह है 12,49,000 रुपये। और थार का जो आठवां वेरिएंट है थार LX पेट्रोल हार्ड टॉप ऑटोमेटिक, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वह है 13,45,000 रुपये। थार का जो नौवां वेरिएंट है थार LX पेट्रोल कन्वर्टिबल टॉप ऑटोमेटिक, उसका एक्सट्रीम प्राइस है 13,55,000 रुपये। और थार का जो दसवां वेरिएंट है थार LX डीजल कन्वर्टिबल टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 12,85,000 रुपये। थार का जो 11वां वेरिएंट है थार डीजल कन्वर्टिबल टॉप ऑटोमेटिक, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 13,65,000 रुपये। और थार का जो 12वां वेरिएंट है थार LX डीजल हार्ड टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 12,95,000 रुपये। और लास्ट में जो थार का 13वां वेरिएंट है थार LX डीजल हार्ड टॉप मैनुअल, उसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 13,75,000 रुपये। तो जैसे सबको पता है कि महिंद्रा थार के कई सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं विद रूफ और विदाउट रूफ, मगर महिंद्रा ने जो अपनी थार लॉन्च की है ये विद रूफ आती है, मतलब हार्ड रूफ के साथ आती है। और इन सब के अलावा नई जो थार है इसके अंदर तुम्हें दो ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं सीट डिजाइन के, मतलब फ्रंट फेसिंग सीट हो जाएंगी या तो चार, या तो दो फ्रंट फेसिंग हो जाएंगी, चार साइड फेसिंग हो जाएंगी, ये दो ऑप्शन तुम्हें अवेलेबल सीट के लिए। और इसमें तुम्हें 7 इंच का कंफर्टेबल स्क्रीन मिलती है। और जो थार है ये वाटरप्रूफ है और इसके अंदर तुम्हें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और तो तुम्हें नई थार के अंदर रूफ माउंटेड स्पीकर ऑप्शन भी मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं नई थार की सेफ्टी मेजर्स के बारे में कि सेफ्टी मेजर्स कितना ये फॉलो करता है। तो सेफ्टी के लिए इसमें काफ़ी सारे नए अपडेट किए गए हैं। तो सेफ्टी के लिए नई थार के सारे वेरिएंट में कुछ अच्छे अपडेट किए गए, जैसे EBD का ABS भी दिया गया है, डुअल एयरबैग है, ESP भी है, पहाड़ियों पर रोकने के लिए कंट्रोल देंगे, मतलब ऑफ रोडिंग होगी तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल तुम्हें मिलेगा इस गाड़ी पे। और मैं बता दूँ महिंद्रा के जो 13 वेरिएंट है महिंद्रा कंपनी ने इसे अपने नासिक के प्लांट में बनाया है और ये तुम्हें 6 कलर में मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि महिंद्रा ने अपनी थार के 13 वेरिएंट मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं और ये तुम्हें 6 कलर में अवेलेबल है। तो अगर तुम महिंद्रा की थार लेनी सोच रहे थे तो तुम्हारे पास 13 ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा वेरिएंट पसंद आता है और तुम्हें कौन से वेरिएंट में कंफर्टेबल लगता है और तुम्हें कौन सा जेब के हिसाब से भी अच्छा लगता है, मेन बात तो यही है ना। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसी वीडियो और न्यूज़ और देखनी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।